Hello everyone, welcome to Abhipsa Education for Excellence. I am Ramesh Nisad and today we are going to study class 10 subject English Unit 2 Reading C. Uncle Poser hangs a picture. And today's video lecture we will see vocabulary and grammar parts. So let's start vocabulary. In the sentences given below, the underlined phrases can be expressed in one word, right? Meaning of the phrases in the space provided. So यहाँ पे underlined कुछ phrases हैं और इन phrases के one words दिखने हैं. So first देखते हैं. A new picture would come and would be standing in the drawing room waiting to be put up. So इसका meaning क्या होगा? To be put up. इसके लिए हम one word क्या लिख सकते हैं? Hung. Hang का third form यानी hung, लटकी हुई. नेक्स्ट है एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन. टेक ऑफ, टेक ऑफ के लिए वन वर्ड यहाँ पे हो जाएगा पुट असाइड. इट मीन्स अलग कर देना, कि जैसे कि अंकल पोजर जो है अपना कोट निकाले और अलग कर दिए. नेक्स्ट है यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो. सो यहाँ पे पुट डाउन, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम लिख सकते हैं प्लेस डाउन, इस तरह से. नेक्स्ट देखेंगे वी वुड हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट. सो यहाँ पे लुक फॉर, लुक फॉर के लिए हम क्या लिख सकते हैं? लुक फॉर के लिए हम लिख सकते हैं सर्च, यानी ढूंढना, पाना, या फाइंड भी लिख सकते हैं, इस तरह से. नेक्स्ट है आई नेवर केम अक्रॉस सच पीपल इन माय होल लाइफ. केम अक्रॉस, इट मींस यहाँ पे आ जाएगा मीट, मिलना, या हम लिख सकते हैं फेस, फेस करना, यानी मैं अपनी पूरी लाइफ में ऐसे लोगों से नहीं मिला हूँ. ओ यू कैन गिव इट अप, आई फाउंड इट ऑल बाय माई सेल्फ. सो यहाँ पे जो कहा जा रहा है गिव इट अप, गिव अप करना, इट मीन्स छोड़ देना. सो यहाँ पे हो जाएगा लीव. सो इस तरह से हमने वोकैबुलरी कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम देखेंगे ग्रामर पार्ट्स. ग्रामर पार्ट्स में क्या है? यूज्ड टू एंड वुड का यूज. Both used to and would are used to show habitual action in the past. However, would cannot be used to show states in the past. So, यहाँ पे हम used to and would के बारे में discuss करेंगे. दोनों का use past की habitual actions यानी आदतन क्रियाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है. And जो would है, वुड का जो यूज़ होता है वो एक्शन क्रिया के लिए यूज़ होता है, एक्शन क्रिया के साथ. बट स्टेट यानी अवस्था को दर्शाने के लिए हम वुड का यूज़ नहीं करते हैं. इट मीन्स वुड का जो यूज़ है वो लिमिटेड है, यानी एक बाउंडेशन में रहकर ही हम वुड का यूज़ करते हैं और सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ. जबकि यूज टू का यूज़ हम अलग अलग कंडीशंस में कर सकते हैं, जैसे एक्शन वर्ब के साथ भी कर सकते हैं. यूज्ड टू का यूज़ हम एक्शन वर्ब के साथ, पजेसिव वर्ब यानी अधिकार बोधक वर्ब के साथ, वर्ब्स विच शोज स्टेट्स और ऐसे वर्ब्स जो स्टेट को शो करते हैं यानी अवस्था को शो करते हैं, उसके साथ भी हम यूज्ड टू का यूज़ कर सकते हैं. बल्कि वुड का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ब के साथ करते हैं. अब ऐसे वर्ब्स जो ये शो करते हैं स्टेट को, जैसे हो गया लिव हो गया, एंड सो हो गया, फील हो गया, लव हो गया, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, ये सब क्या है? ऐसे वर्ब्स है जो स्टेट को शो करते हैं, एक्शन को शो नहीं करते. और यदि कोई वर्ब एक्शन को शो करते हैं तो वहाँ पे हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. जैसे यूज्ड टू का यूज़ हमने किया है यहाँ पे, व्हेन आई वॉज इन क्लास 5th आई यूज्ड टू प्ले कबड्डी विथ माई फ्रेंड्स. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मैं क्लास 5th में था, जब मैं 5वीं पढ़ रहा था, तब मैं क्या करता था? मैं अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करता था.
तो यहां पे हमने यूज किया है, किनका यूज किया है, यहां पे हमने यूज्ड टू का यूज किया है. यहां पे देखिए वुड. व्हेन आई वाज इन क्लास 5th आई वुड प्ले कबड्डी विद माय फ्रेंड्स. यहां पे जो प्ले है, प्ले एक एक्शन वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब के साथ हम यूज टू का भी यूज कर सकते हैं और वुड का भी यूज कर सकते हैं. जो मीनिंग है वो सेम है. व्हेन आई वाज इन क्लास 5th आई वुड प्ले कबड्डी विथ माई फ्रेंड्स. जब मैं पांचवी क्लास में था तब मैं अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेला करता था या खेलता था. सो यहाँ पे हमने वुड का यूज किया है. सो दोनों इस कंडीशन में दोनों जो है वो करेक्ट है. ये भी करेक्ट है एंड ये भी करेक्ट है. अब देखते हैं नेक्स्ट. आई यूज टू बी अ प्लेयर. यहाँ पे जो बी वर्ब है वो एक्शन वर्ब नहीं है. यहाँ पे होने के संदर्भ में दिखाया जा रहा है. सो जब एक्शन वर्ब नहीं है तब हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का ही यूज़ करते हैं. तो यदि हम यूज टू का यूज़ करते हैं तो ये करेक्ट होगा. जबकि यहाँ पे आई वुड बी अ प्लेयर, यहाँ पे ये जो बी है ये एक्शन वर्ब नहीं है. सो यहाँ पे वुड का यूज़ करना रॉन्ग होगा. वैसे ही वी यूज टू लिव इन अ विलेज. यहाँ पे जो लिव वर्ब है वो स्टेट को शो अप कर रहा है. सो ये जो वर्ब है यहाँ पे ये सही होगा, क्योंकि हर कंडीशन में हम यूज टू का यूज कर सकते हैं. जबकि यहाँ पे हमने वुड का यूज किया है. वी वुड लिव इन अ विलेज, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिव वर्ब है वो स्टेट को शो कर रही है. नेक्स्ट है दे यूज टू हैव अ कार. दे यूज्ड टू हैव अ कार, यानी ये पोजिशन को दिखाया जा रहा है. जो हैव है वो पोजिशन को दिखा रहा है, अधिकार को दिखा रहा है. और ऐसे कंडीशन में हमने यूज्ड टू का यूज़ किया है, इट मीन्स ये सही होगा. और यहाँ पे दे वुड हैव अ कार, यहाँ पे पोजिशन वाले वर्ब है. सो यहाँ पे वुड का यूज़ करना रॉन्ग होगा. नेक्स्ट है राम यूज टू लव हर. यहाँ पे लव यानी प्यार करना, ये भी एक तरह से एक्शन वर्ब नहीं है. ये कौन सी वर्ब है, ये स्टेट को शो करने वाली वर्ब है. सो यहाँ पे हमने यूज टू का यूज़ किया तो ये करेक्ट होगा. जबकि राम वुड लव हर, तो यहाँ पे जो वुड का यूज़ होगा वो इनकरेक्ट होगा. सो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि हम यूज टू और वुड का यूज़ कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं. सिंपल सी बात है कि यूज टू का यूज़ हम कब करते हैं, एक्शन वर्ब के साथ, पजेसिव वर्ब के साथ, होने के संदर्भ वाले वर्ब के साथ, और ऐसे वर्ब्स जो कि स्टेट को शो करते हैं, यानी एक्शन वाले वर्ब के साथ भी और स्टेट यानी अवस्था को शो करने वाले वर्ब के साथ भी. जबकि वुड का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में करते हैं, एक्शन वाले वर्ब के साथ ही करते हैं. बाकी यदि हम अलग कंडीशन में करते हैं, चाहे पोजिशन में करते हैं, चाहे स्टेट वाले वर्ब के साथ यदि हम वुड का यूज़ करते हैं तो वो इस तरह से रॉन्ग होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिसमें दिखाया गया है. हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट बोथ वुड एंड यूज्ड टू कैन बी यूज्ड. हैबिचुअल एक्शंस, एक्शंस वाले वर्ब्स में हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, यानी वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और वुड की जगह पे हम यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं. जबकि हैबिचुअल स्टेट्स इन द पास्ट वुड कैन नॉट बी यूज्ड. और यदि स्टेट्स है, हैबिचुअल स्टेट्स वाले वर्ब्स है, तब हम सिर्फ और सिर्फ किनका यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू का ही यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे वुड प्ले ऑल डे एज अ चाइल्ड, तो यहाँ पे जो प्ले है वो एक तरह से एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे हम यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं और वुड का भी. वुड गो टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस एवरी डे, यहाँ पे जो गो है एक्शन वर्ब है, सो यहाँ पे हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और यूज टू का भी. वैसे ही वुड राइड माई ट्राइसिकल एवरी डे या बाइसिकल एवरी इवनिंग. सो यहाँ पे भी जो राइड है, सवार करना है, ये एक्शन वर्ब है. सो यहाँ पे वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और यूज टू का भी. वुड नॉट गो आउट इन द डार्क, यहाँ पे गो आउट, गो जाना, ये भी एक्शन वर्ब है. सो यहाँ पे हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं और यूज टू का भी. सो इस वाले कंडीशन में हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं. जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम यूज टू का ही यूज़ कर सकते हैं. जैसे लिव, यूज टू लिव इन द विलेज, ये स्टेट को शो कर रही है. यूज टू बी वेरी नॉटी,
बी होने के संदर्भ में स्टेट को शो कर रही है. यू इज़ टू लव ये स्टेट को शो कर रही है. यू इज़ टू लव माई ग्रैंड मदर. वैसे यूज़ टू हैव टू कैट्स हैव ये कौन सी वर्ब है? पजेसिव वर्ब. सो पजेशन अधिकार को दिखा रहा है. वैसे ही यूज टू बिलीव इन घोस्ट्स बिलीव ये स्टेट को शो कर रही है. यूज टू स्लीप इन द आफ्टरनून स्लीप ये भी स्टेट को शो कर रही है. सो इस वाले कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का ही यूज़ कर सकते हैं, जबकि इस कंडीशन में एक्शन वाले वर्ब के साथ हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं, यूज टू का एंड वुड का. नेक्स्ट हम देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स. जैसे यहाँ पर लिखा है वर्ब्स लाइक प्ले हो गया, गो, राइड आर एक्शन वर्ब्स. वर्ब्स लाइक बी, लव, हैव, बिलीव एंड लिव सो स्टेट्स ये सारे क्या दिखाते हैं? स्टेट्स को शो करते हैं. वुड इज यूज्ड व्हेन वी एस्टैब्लिश द पास्ट टाइम फ्रेम बिफोर द वर्ड वुड अपीयर्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वुड का यूज़ हम कौन सी कंडीशन में करते हैं? पास्ट की एक्शन वाले वर्ब के साथ. व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई वुड वॉच कार्टून्स विथ माय डैड इन द इवनिंग. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मैं बच्चा था तब मैं क्या देखता था? मैं कार्टून्स देखा करता था अपने डैड के साथ इवनिंग में. सो यहाँ पे जो देखना है वॉच है, ये एक्शन वर्ब है. सो यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया. When I was a student, I would read books in the library every Friday. So यहाँ पे जो read verb है वो भी कौन सी verb है? Action वाली verb है. So यहाँ पे हमने would का use किया. अब action वाली verb है वहाँ पे हमने would का use किया. अब action वाली verb के साथ हम used to का भी use कर सकते हैं. It means यहाँ पे हम इन दोनों sentences में किनका use कर सकते हैं? Used to का. सो यहाँ पे हमने यूज टू का यूज़ किया है. यूज टू ये देखिए आई वुड वॉच कार्टून्स विथ माई डैड इन द इवनिंग. सो यहाँ पे वुड की जगह पे यूज टू. आई यूज टू वॉच कार्टून्स विथ माई डैड इन द इवनिंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड. सो इस तरह से हम इस कंडीशन में एक्शन वाले वर्ब्स में वुड की जगह पे यूज टू का यूज़ कर सकते हैं, या यूज टू की जगह पे हम वुड का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखेंगे वुड इज नॉट यूज विथ स्टेटिव वर्ब्स. Verbs that describe a state of being, such as be, understand, feel or love. जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि would का यूज़ हम स्टेटिव वर्ब्स के साथ नहीं कर सकते. जैसे when I was a kid, I used to love playing in the park. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब मैं छोटा था तब मैं क्या करता था? मैं पार्क में खेलना पसंद करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था. सो यहाँ पे जो लव वर्ब आई है वो स्टेट को शो करती है. सो यहाँ पे हमने यूज्ड टू का यूज़ किया है. सो ये करेक्ट होगा. जबकि नेक्स्ट है कि यहाँ पे हमने यूज्ड टू की जगह पे वुड का यूज़ किया है और जो वर्ब है वो लव है. इट मीन्स लव जो कि स्टेटिव वर्ब है. सो यहाँ पे वुड का यूज़ करना इनकरेक्ट होगा. नेक्स्ट है We cannot use would when we want to talk about past state. We have to use used to. For example, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है. यदि हम would और used to का यूज़ करते हैं, जैसे I used to live in the village when I was a child. Means यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं गांव में रहा करता था जब मैं छोटा था, जब मैं बालक था, जब मैं बच्चा था. सो यहाँ पे हमने यूज टू का यूज़ किया है और जो वर्ब है वो लिव है. सो ये वाला तो करेक्ट है. नेक्स्ट है यूज टू की जगह पे वुड का यूज़ और यहाँ पे जो वर्ब है लिव जो कि स्टेट को शो करती है. सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा. सो द यूज़ ऑफ वुड इज़ मोर लिमिटेड दैन यूज टू. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वुड है वो लिमिटेड है. यानी यूज टू और वुड की यदि कंपैरिजन की जाए तो यूज टू का यूज़ हम ज़्यादा जगहों पे कर सकते हैं, जबकि वुड का यूज़ हम लिमिटेड वर्ब्स के साथ ही कर सकते हैं, यानी लिमिटेड जगह में ही कर सकते हैं. अब हम देखेंगे क्वेश्चंस. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज इधर यूज टू और वुड इफ़ बोथ आर पॉसिबल यूज वुड. सो यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इन ब्लैंक्स में हम वुड और यूज टू का यूज़ करेंगे और हम जानते हैं कि हम वुड की जगह पे यूज टू का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हर जगह हम यूज टू की जगह पे वुड का यूज़ नहीं कर सकते. सो लेट्स सी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड माय फादर
blank. Pick me up and throw me in the air. I blank love it. So यहाँ पे when I was a child, my father यहाँ पे आ जाएगा would. हम would की जगह पे used to का भी use कर सकते हैं क्योंकि जो pick up है ये एक action verb है. So यहाँ पे used to का भी use कर सकते हैं और would का भी. So यदि दोनों आ सकते हैं तो वहाँ पे हम would का use करेंगे जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है. I यहाँ पे used to ही आएगा क्योंकि जो verb है लव वो एक तरह से ये action verb नहीं है. Next है my uncle blank have a bicycle. When I was young, he blank take me for a ride. यहाँ पे देखें my uncle यहाँ पे आ जाएगा used to have क्योंकि ये एक possessive verb है have a bicycle. When I was young, he यहाँ पे would आ जाएगा. used to भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे take है take me for a ride. So वहाँ पे जो take है वो action verb है. For years I blank be afraid of ghosts as my grandmother blank tell me stories of them every night. यहाँ पे होनी के संदर्भ में है यानी स्टेट को शो कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा used to. For years I used to be afraid of ghosts as my grandmother यहाँ पे आ जाएगा would tell me stories of them every night. Next हम देखेंगे I blank become Krishna during Janmashtami every year in childhood and every year I blank break the matki. So यहाँ पे आ जाएगा होने के संदर्भ में है it means used to become Krishna during Janmashtami every year in childhood and every year I यहाँ पे आ जाएगा would क्योंकि यहाँ पे जो break है तोड़ना है ये एक action verb है. So यहाँ पे used to का भी use कर सकते हैं यानी would की जगह पे. Next है I blank know many songs as a child so my friends blank ask me to sing every time we work in the field. So यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा used to I used to know and यहाँ पे so my friends यहाँ पे आ जाएगा would क्योंकि जो ask है वो एक action verb है. Next है when I was 5 I blank be able to do incredible stunts यहाँ पे आ जाएगा would क्योंकि यहाँ पे जो do verb है वो एक action verb है. So would be able to do incredible stunts. I blank climb every tree in the neighborhood and swing like a monkey. So यहाँ पे आ जाएगा used to. हम यहाँ पे would का भी use कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो climb है एक verb है ये एक action verb है. So यहाँ पे हमने would पहले से इस्तेमाल कर ही लिया है. So यहाँ पे हम used to का use कर रहे हैं. So इस तरह से हमने जाना कि used to and would का use हम कौन कौन सी condition में कर सकते हैं. So इस तरह से हम would and used to का use कर सकते हैं. I hope you understood this video lecture very well. I will meet you in the next video lecture. Till then, thank you.